आज मैं फिश करी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मच्छी धोकर ले ली हूँ और उसमें हल्दी नमक डाल दी हूँ इनको मिक्स करके। और ये तेल गरम हो गया, इसमें मैं डालती हूँ। ये देखिए मैं मिक्स कर ली और ये देखिए तेल गरम हो गया। अब मैं इसमें डालती हूँ और मच्छी को तल लेती हूँ। तेल आपको इतना गर्म करना है जिससे तेल में से धुआं निकले, जिससे आप मच्छी इसमें चिपके जाए। ये देखिए फ्राई हो रहा है। आज फिश करी और चावल खा के मज़ा आ जाएगा। पूरा एक महीने बाद मिल रहा है खाने को, तो आइए आप लोग भी खाइएगा और मैं आगे रेसिपी आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। ये देखिए फिश करी मैं तल के रेडी कर दी हूँ। और ये है तड़के के लिए, इसमें मिर्ची और जीरा, इसको तड़का लगा रही हूँ। तो तड़क गया है, अब इसमें मैं मसाला डाल दी हूँ। मसाले में मैं हल्दी डाल रही हूँ और नमक डाल रही हूँ और पीसी हूँ सरसों, जीरा, काली मिर्च और लहसुन और धनिया, पूरा मसाला इसका ये है। और अब मैं नमक डाल रही हूँ इसमें और इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए मसाला को इसी तरह फ्राई करना है पूरा जलाकर, तभी मच्छी टेस्टी लगेगा। मसाला आपको अपने हिसाब से गाढ़ा और पतला बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें पानी डालना है। और अब खोलेगा तो खोल गया है मेरा। इसमें अब मैं मच्छी डाल रही हूँ। मच्छी को डालकर कम से कम एटलीस्ट 10-15 मिनट इसको उबालेंगे, जिससे मसाला गाढ़ा हो जाएगा और पक भी जाएगा। आपको फिश करी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।